से लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा अध्याय शुरू कीजिए सर। तस्वीर को अमन उठा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के पैरों में सीएम नीतीश गिरे हुए पोस्टर बार में जो विपक्ष है उन्हें सभी को भ्रष्टाचारी बताया गया है। इंडिया एक और विपक्ष एकता की बैठक होने जा रही है, उससे पहले बीजेपी का सबसे बड़ा पोस्टर बार हम आपको बीजेपी कार्यालय से फर्स्ट ऑफ इंडिया परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन, यानी इससे साफ तौर से दर्शाया जा रहा है कि परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार पार्टियों का महासम्मेलन हो रहा है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। आज मेरी गोद में बैठे यानी सीएम नीतीश जो भी बयान दिए थे वो तमाम बयान यहाँ लगाया गया है। गिरफ्तार करने वालों के साथ खड़े हैं, न समाजवाद प्यारा, न विचारधारी प्यारी और न सिर्फ कुर्सी प्यारा। यानी साफ तौर से यह जो पोस्टर दर्शाया गया है ये काफ़ी अपने आप में माना जा रहा है। और इस तरीके से ये इस तरफ आप देखिए बहुत समय यहाँ भी लोग बात की यहाँ तो ये तस्वीर अपने आप में इसलिए बता रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा अध्याय शुरू कीजिए सर, विपक्ष एकता हम साथ साथ है। राहुल गांधी के पैरों के नीचे सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव हाथ जोड़ते हुए खड़ा है। और यह जो पोस्टर बार है यह सबसे बड़ी पोस्टर बार बताई जा रही है क्योंकि आरजेडी ने कुछ दिन पहले ही पोस्टर बार किया था, उसके बाद विपक्ष एकता की बैठक से ठीक पहले बीजेपी का जिस तरीके से पोस्टर बार किया गया। और इस पोस्टर बार में जो विपक्ष है उन्हें सभी को भ्रष्टाचारी बताया गया है और ठस ऑफ इंडिया का टैग दिया गया है। और जिस तरीके से जो विपक्ष एकता की बैठक होने वाली है उससे पहले यह बीजेपी कार्यालय का जो तस्वीर निकल कर जो सामने आया है इसमें साफ लिखा गया है ठस ऑफ इंडिया परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन, यानी भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन यहां होने वाला है बिहार में। जिस तरीके से पटना में विपक्ष की बैठक और एक बार बीजेपी का जो निशाना और जो टारगेट है विपक्ष पार्टियों के साथ साथ सीएम नीतीश और उसके बाद तेजस्वी, और इस तस्वीर को अमन उठा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के पैरों में सीएम नीतीश गिरे हुए हैं। क्या सोच कर ये लगाया गया है तेजस्वी की हाथ जोड़े हुए खड़े हो रहे हैं, वापस लाओ। लेकिन जिस तरीके से इस पोस्टर बार में घमासान जो देखने को मिल रहा है और अभी तक की सबसे बड़ी पोस्टर बार यह बताया जा रहा है और जिस तरीके से सारी पार्टियों को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ होने का जो संकेत भी दिया गया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में यह तस्वीर दर्शा रही है। और यह पोस्टर बार सुर्खियाँ बटोर रही है कि एक और विपक्ष की पार्टी होने वाली है, बैठक होने वाली है, और दूसरी ओर यह पोस्टर बार